हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू इंजीनियर्स करियर ग्रुप। माय नेम इज़ राकेश वर्मा और आज मेरे साथ हैं सारे ईसीजी के फैकल्टी अलोंग विद आवर डायरेक्टर सर सोनी सर। आई वेलकम यू। इसके साथ हैं हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से नितिन पाठक सर, राजीव सर हैं आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट से, सिविल से सुशांत सर हैं और नॉन टेक्निकल के जो हेड हैं यहाँ पे वो हैं आपके भरत सर। तो सर, काफ़ी टाइम से बच्चे वेट कर रहे थे हरियाणा के कि अब वैकेंसी कब आएगी कब आएगी, तो फाइनली वैकेंसी आ गई है। कल ही नोटिफिकेशन आया है जिसमें आपका सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसीज हैं। सिविल के लिए तो भर भर के वैकेंसी है। मैकेनिकल के लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है वो राजीव सर आपको बताएंगे, इलेक्ट्रिकल के लिए किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है वो नितिन सर बताएंगे। लेकिन उससे पहले सर, मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसमें पेपर किस तरीके से होगा वो सब आपको जीडी सर जो है गाइड करेंगे। तो सर, पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बच्चों को बता दो, क्योंकि बच्चों का डाउट रहता है कि सर पैटर्न कैसा है, किस तरीके से हम अप्रोच करें और हमारी प्लानिंग क्या रहने वाली है, ज़रा उस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए प्लीज़। सो थैंक यू राकेश सर कि आपने सेशन अरेंज करा। ये बहुत अवेटेड सेशन था बच्चों की तरफ से भी। मेरे को मैसेज भी आ रहे थे कि सर एक कॉमन स्ट्रेटजी हमें बताइए कि इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करना है। सो बच्चों, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे कि हरियाणा में जो वैकेंसीज आएँ, तो हरियाणा में वैकेंसीज अभी आ चुकी हैं, जिसमें सिविल के साथ साथ इस बार मैकेनिकल और सिविल में भी इलेक्ट्रिकल में वैकेंसीज देखी गई हैं। और सिविल में तो पहले ही पंचायती राज डिपार्टमेंट में वैकेंसी भी आ चुकी थी, बट अभी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी भी आई है। बहुत सारे बच्चे इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट ये कंप्लेंट करते थे कि हमारी वैकेंसी सिर्फ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आती हैं और सिर्फ वो गेट एग्ज़ाम के थ्रू आती हैं, अगर डायरेक्ट एग्ज़ाम होगा तो मैं सबसे पहले इस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँगा। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में ये था कि हरियाणा में किसी तरह की हमारी कोई वैकेंसी नहीं आती है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसीज को मत देखिए कि 9 वैकेंसीज हैं, 9 वैकेंसीज भी अगर पिछले 15 साल का सिनेरियो देखो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं जो भी इस बार हरियाणा में देखी गई हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अपना माइंड मेकअप करके इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। एग्ज़ाम ये 100% होना है, एग्ज़ाम होगा और इसके थ्रू रिक्रूटमेंट भी होगा और आप सिलेक्ट भी होंगे। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अब इस एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। देखो एचपीएससी का एग्जाम पैटर्न जो है, लास्ट टाइम जब वैकेंसी पंचायती राज डिपार्टमेंट में आई थी तो इस एग्जाम पैटर्न को अपडेट कर दिया गया था और इस एग्जाम को प्री एंड मेंस एंड इंटरव्यू में 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जो प्री का एग्जाम आपका रहने वाला है वो टोटल 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 80% पेपर जो है मीन्स 80 क्वेश्चन जो है आपके टेक्निकल में रहेंगे, सिविल में, मैकेनिकल में और इलेक्ट्रिकल में। और 20% जो पेपर है, जो 20 मार्क्स का पेपर और 20 क्वेश्चन जो रहने वाले हैं, वो आपके नॉन टेक्निकल में रहेंगे। नॉन टेक्निकल में आपकी स्पेसिफिकली एचपी हरियाणा जीके के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होता है, उसके बाद इंग्लिश के ऊपर फोकस रहता है और एप्टीट्यूड के ऊपर फोकस रहता है। सो जो भी स्टूडेंट्स टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो उनको साथ में हरियाणा जीके की नॉलेज जो है अभी रखनी पड़ेगी, तो ही प्री का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर पाएंगे। प्री का एग्जाम जो है, जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई करेगा, इसके मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो 25% है। मीन्स 25% तो सबको लेके आना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि नंबर ऑफ बच्चे अगर स्टूडेंट्स कम अपीयर होंगे तो मैं तो वैसे ही पास हो जाऊंगा, तो वो टाइम चेंज हो चुका है। अभी हर डिपार्टमेंट में एक मिनिमम कट ऑफ का सिनेरियो आ चुका है। अगर आपने नेक्स्ट एग्जाम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ना है तो मिनिमम 25% मार्क्स तो लेके आना पड़ेगा। हालांकि ये मार्क्स बहुत कम है, हालांकि कट ऑफ तो जो है वो 45% 50% देखने को मिलेगी, बट फिर भी अगर इन एनी केस कट ऑफ कम भी जाती है तो 25% से तो कम अगर मार्क्स होंगे तो आपको अलाउ नहीं करा जाएगा। सो सेकेंड जो फेज का एग्जाम रहने वाला है वो मेंस का एग्जाम रहने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट मेंस एग्जाम इसमें जो है वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव एग्जाम रहेगा। मीन्स आपको जैसे कॉलेज में आप एग्जाम लिखते थे वैसे एग्जाम आपको लिखना है, जिसमें आपको 150 मार्क्स का पेपर जो है वो आएगा और 3 आवर का टाइम आपको दिया जाएगा। सो जैसे कॉलेज में आपके पास पेपर आता था डेरिवेशन, मैजा कॉलम्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज, न्यूमेरिकल मिक्सचर आता रहा सारा, वैसे ही एग्जाम रहने वाला है। सो मैं अगर ज़्यादा कॉम्पिटिटिव पॉइंट व्यू से देखूँ तो जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो मेंस का एग्जाम आता है और जो एसएससी में मेंस का एग्जाम आता था, कहीं ना कहीं उसी जो टॉपिक्स हैं उन्हीं जो पैटर्न है उसी को फोकस करते हैं। एचपीएससी भी अपना एग्जाम पैटर्न जो है वो डिसाइड करेगी, क्वेश्चंस का लेवल ही वही रहने वाला है। सो पेपर को लीनियंट मत समझे, बिकॉज ऐसा हम सोचिए कि हरियाणा में जो है बहुत कम बच्चे हैं जो अपीयर करने वाले हैं, बट आप ध्यान में रखें हरियाणा में इंडियन नेशनल, भूटान नेशनल और नेपाल नेशनल कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जिसने मैट्रिकुलेशन लेवल पे हिंदी का पेपर पास करा हुआ है। और यू नो हिंदी में संस्कृत जिन्होंने करा हुआ है वो तो ऑलमोस्ट सब बच्चों ने करा ही होता है। तो सो सबसे मतलब बात है कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। यह मत सोचिए कि हरियाणा के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था हरियाणा और पंजाब के बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम हो रही है कि वो खुद तैयारी नहीं करते हैं और अदर स्टेट के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं और वो आके आपकी सीट्स ले जाते हैं।
अगर आपको अपनी स्टेट में असिस्टेंट इंजीनियर बनना है तो आपको भी सिंसेयर होना पड़ेगा और सीरियस होना पड़ेगा और सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट है पंजाब और हरियाणा के बच्चों में कि आप पढ़ते नहीं है। आप सबसे पहले नोटिफिकेशन की वेट करते हैं, नोटिफिकेशन आने के बाद सिलेबस की वेट करते हैं और सिलेबस के बाद आप एग्जाम डेट की वेट करते हैं, देन आपको लगता है कि ये तो मेरे बस से बाहर है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। एग्जाम आज होगा, 3 महीने बाद होगा कि 6 महीने बाद होगा, एग्जाम 100% श्योर होगा। उसके लिए तैयारी अगर आप आज से शुरू करोगे तो ही आने वाले 3-4-5 महीनों में जब एग्जाम होगा तो आप उसको अपीयर करके क्रैक करके जो है अपनी जॉब ले पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है प्रिपरेशन जो है वो जो करना बहुत जरूरी है। जो भी स्टूडेंट्स मेंस का एग्जाम जो है क्वालिफाई करेंगे उन मेंस के एग्जाम में 35% मिनिमम मार्क्स आपको लेके आने, जैसे प्री में 25% क्राइटेरिया है और देखो मेंस में 35% बढ़ा दिया, इवन नंबर ऑफ कैंडिडेट कम हो चुके होंगे बट कट ऑफ उन्होंने बढ़ा दी, क्योंकि दे वांट कि सिर्फ जिन स्टूडेंट्स को अच्छी नॉलेज है वही डिपार्टमेंट में आगे बैठे। देखो जिसको नॉलेज है वही डिपार्टमेंट चला पाएगा, गवर्नमेंट भी क्लियर है इस बात को लेके। सो आपको भी नॉलेज अच्छी ग्रैब करनी है तो उसके लिए आपको हमारी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारे टीम मेंबर्स हैं, वो सारे आपको पूरा बेसिक्स लेकर एडवांस तक पढ़ाते हैं कि सो दैट आपका नॉलेज जो है वो एनहांसमेंट हो सके और आपका एग्जाम जो है क्रैक हो सके। अब मेंस के एग्जाम के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करा जाएगा जिनके 35% मिनिमम मार्क्स होंगे और यूजली 4 टाइम ज्यादा स्टूडेंट जो है वो कॉल करे जाते हैं। अगर 120 वैकेंसीज है तो आप लगा लो 500 के अराउंड जो स्टूडेंट होंगे इंटरव्यू के लिए कॉल करे जाएंगे। और फाइनल जो मेरिट बनेगी उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। फाइनल जो मेरिट है उसमें प्री के 87.5 मार्क्स और इंटरव्यू के सिर्फ 12.5% 12.5% मार्क्स ऐड होने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे हरियाणा में ये सोचते हैं कि हरियाणा में हमारे पास वहां पे ब्राइब चलती है और इंटरव्यू में जो है बच्चों को पैसे देके वो क्वालिफाई कर जाते हैं, इसलिए बड़ा समझदारी से HPSC ने आपके मन से ये डाउट निकालने के लिए एग्जाम पैटर्न बनाया है कि सारा का सारा जो वेटेज है वो आपके रिटन एग्जाम के ऊपर है। अगर कोई ऐसा एक या दो बच्चा निकल भी आता है जो ऐसे ब्राइब करके जॉब लेने की कोशिश करता है बट उसको मेंस में बहुत ज्यादा मार्क्स लेके आने पड़ेंगे तो ही वो कर पाएगा। सो इसमें वेरी क्लियर इस एग्जाम पैटर्न को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें वही बच्चा जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में आ पाएगा जिसको अच्छी नॉलेज होगी। सो आप अच्छी नॉलेज जो है ग्रैब करने के पीछे बाकी है, आपको जॉब 100% मिल जाएगी। इतनी बड़ी वैकेंसी का जो रेशियो है वो बार बार हरियाणा में देखने को नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी मैं अपॉर्चुनिटी आपको बोलूंगा आपके लिए है कि आप इसको ग्रैब कर सकते हैं। जिन बच्चों ने पंचायती राज के एग्जाम के टाइम पे सिर्फ वेट कर रहे थे सिलेबस कब आएगा, तो सिविल का सिलेबस भी ऑलरेडी आ चुका है। सो इस बार वो सेम गलती मत करें, इस बार अपनी प्रिपरेशन जो है अभी से स्टार्ट कर दो सो डेट आपका एग्जाम जो है वो 100% क्वालिफाई हो जाए। फर्दर मैं राकेश सर को हैंड ओवर करता हूँ और अदर जो टीचर्स हैं वो आपको स्ट्रीम वाइज आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे कैसे आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छी जो है नॉलेज दी बच्चों को। यहाँ पे सबसे मेन चीज़ यही आपको माइंड में रखनी है कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपका प्री और मेंस और उसके बाद इंटरव्यू यानी 3 स्टेजेस में होने वाला है, जो कि आपका IAS का पैटर्न है। SSC में इंटरव्यू नहीं होता था, SSC JEE में, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से IAS का पैटर्न लिया हुआ है इन्होंने। और ये बहुत ही अच्छी बात ये भी सर ने बोली कि यहाँ पे सिर्फ जो क्वालिटी स्टूडेंट है वो आगे निकलेंगे, क्योंकि हर एग्ज़ाम में इन्होंने एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ क्राइटेरिया जो है वो अपने एग्ज़ाम में डाला हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो नेक्स्ट मैं राजीव सर के पास जाऊंगा। राजीव सर, मैकेनिकल के बच्चे काफ़ी बोलते हैं कि सर वैकेंसीज नहीं आती हैं और अभी वैकेंसी आ गई है, तो एक क्वेश्चन तो मेरा आपसे ये है कि वैकेंसी आ गई है तो इस पर आप क्या बोलोगे। सेकंड, कि आपको क्या लगता है इसका जो एग्ज़ाम का लेवल है SSC IAS या किस लेवल पे, क्योंकि पीछे जो इनका एग्ज़ाम हुआ था सिविल में पंचायती राज का उसमें गेट के क्वेश्चन काफ़ी थे, तो आप उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, एक तो लेवल बता दीजिए और एक मैकेनिकल के बच्चों को थोड़ा जो है। सर ये बात तो बिल्कुल सही है, जैसे सर बता रहे थे वैकेंसी आया है तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए। अलग बात है जो भी सीट है अच्छा है आपके लिए, बहुत अच्छा चांस है। और सर जैसे आप पूछ रहे थे हमसे कि एग्जाम का लेवल क्या है, जैसे प्रीवियस हम लोग जब एनालिसिस कर रहे थे सर, जब एनालिसिस कर रहे थे क्वेश्चन का, तो हमने देखा कि क्वेश्चन अच्छा लेवल का डाला गया है सर। अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा हो कि हम खुद से पढ़ के कर लेंगे, लंबा टाइम लगेगा सर, 4 साल जो बीटेक करता है उसको लंबा टाइम लगेगा। मैं तो एक बात तो सबसे पहले ये बोलूंगा कि बच्चे को जो टाइम दिया गया है सर उसमें इसको प्रॉपर गाइड की जरूरी जरूर है। सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है लेकिन सर ये खुद ब खुद सारा कर लेगा मुश्किल है, तो उसको तो सबसे पहली चीज है कि एक प्रॉपर गाइड होना चाहिए सर, जो कि हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मैं थोड़ा मैकेनिकल पे फोकस हूँ सर, तो जब मैं मैकेनिकल के क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे प्रोडक्शन है थोड़ा उसका अच्छा वेटेज होता है सर, थर्मल इंजीनियरिंग है जो अच्छा वेटेज होता है सर। जनरली मैं देखता हूँ बच्चे लोग सोचता है कि सर ये मुश्किल होता है या रटने वाली चीजें हैं, जो कि मैं हमेशा सोचता हूँ, बट ऐसा अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो उससे आपको नहीं मिलेगा दोस्त, क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आता है सर। जब आप मेंस की बात कीजिए, क्योंकि
प्री और मेंस दोनों बच्चों को क्लियर करना है ना, तो प्री में जहां तक सर बता रहे थे कि 80% आपका टेक्निकल है, तो टेक्निकल आपको स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। टेक्निकल में थर्मो हो गया, आरएसी हो गया, पावर प्लांट हो गया, इसके बाद आप प्रोडक्शन में आ जाओ, वेल्डिंग, कास्टिंग, मेटल फॉर्मिंग, मटेरियल साइंस हो गया, टोम हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, मशीन डिजाइन हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, लगभग सभी पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसा नहीं कि आप किसी को छोड़ दो या नहीं करो। और एक चीज और मैं समझ रहा हूँ, जहां तक सर बता रहे थे, जो आयोग है ये पूरी उसकी कोशिश है कि बच्चे हमारे पास नॉलेजेबल आए, ये नहीं कि कुछ इसका मीनिंग नहीं समझ रहा है हमारे पास आ गया। नॉलेजेबल होना, आप खुद बताइए सर, देखिए जैसे सर बता रहे थे कि ऐसा कहा जाता है, आई डोंट नो कि चलो इंटरव्यू में क्या हुआ, पैसा देके सिलेक्शन करवा लिया गया, इसीलिए उन्होंने क्या किया 87% आई थिंक मेंस का वेटेज दिया। मतलब सर जिसके पास टेक्निकल नॉलेज है ना, सिर्फ वही सिलेक्ट हो सकता है। और ये बाद में एक्सक्यूज नहीं रहेगा यार ये पैसा दे दिया मेंस में, सॉरी इंटरव्यू में, ये हो गया सारा रिस्पांसिबिलिटी स्टूडेंट का होगा, स्टूडेंट का है सर। और हम जहां तक मैकेनिकल की बात करूं सर, तो हम एक मानते हैं कि ये बहुत अच्छा है, आपको जो सब्जेक्ट होगा अगर आपको ग्रैप नॉलेज है ना, और 6 महीना मैं समझता हूं तो सफिशियंट है, एक अच्छा प्रॉपर गाइड मिल जाए, और आप हमारा बैक हिस्ट्री भी देखो, जो भी बच्चा है यहां से हमेशा सिलेक्शन होता रहा है, और कोई सब्जेक्ट बच्चों टफ नहीं, एक बार आपको प्रॉपर गाइड की रिक्वायरमेंट है, और ये हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे सर। थर्मल देखेंगे, बहुत इजी है क्वेश्चन लाना, कनार्ड साइकिल से क्वेश्चन आता है, वीसीआरएस वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात करते यहां से क्वेश्चन आता है। अगर आप बात करोगे आईसी इंजन, इतना इंटरेस्टिंग है सर, गाड़ी कैसे चलती है उसका एफिशिएंसी पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यही देखो, ये प्लानिंग आपको हम लोग बताएंगे, साथ पढ़ाएंगे भी, कि आपको ये भी चीज जरूरी होता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। कुछ ऐसा भी चीजें होती है सर जो है तो बहुत सारा चीज जिसको नहीं करना है, और बीइंग एन स्टूडेंट मैं समझता हूँ वो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, आप क्या करते हो बुक उठाते हो और सीधा एक लाइन से, जो कि सर आई थिंक आइडियली 6 महीना में कभी भी संभव नहीं है। एक साल मान के चलो आप, हाँ, एक साल भी सर, जो चीज आप बीटेक 4 साल में किए हो इसको आप करोगे खुद नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसको तो ये तो जरूरी है सर। और ये चीज एक चीज बताऊं सर, जो कॉलेज होता है थोड़ा सा, और हम लोग का जो हल्का चीजें अलग है। कॉलेज में क्या होता है, बच्चे को कुछ बताता नहीं, इसको लगता है तुम्हें सेमेस्टर पास करना है, तुम ये लो लिखो पास हो जाओगे। बट बच्चों जो कंपिटेटिव एग्जाम होता है आई थिंक स्लाइटली डिफरेंट होता है, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट चेक होता है, अगर नहीं होता तो मेंस में यहाँ पे इतना वेटेज नहीं दिया जाता। तो बहुत जरूरी होगा कि आपका कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आए। जैसे आप लोग समझते हो कि सोम बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, हमें समझ में नहीं आता है, डोम नहीं आता है, अगर इसमें आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया ना, ये सेक्शन मॉडुलस क्या है, उसका मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे हम लोग हर चीज को रटाने के बगैर उसका फिजिकल चीज बताएंगे कि ये है शियर फोर्स डायग्राम लग रहा है, तो बीम कैसा बनेगा नहीं बनेगा, मतलब इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आपको ये कभी फील ही नहीं होगा यार हम 5 घंटा क्लास कर लिए, 4 घंटा क्लास कर लिए, ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जो बताने वाले बच्चों उसका पूरा का पूरा बेसिक, और साथ ही साथ व्हाट इज देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस, व्हाई इट इज हैपनिंग, और ये चीज अगर आपको पता चल गया ना, आई एम डेन श्योर कि आप कभी भी चीजें भूलोगे नहीं, और आप जो रटते हो उसके भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं समझ रहा हूँ सर ये टाइम बिल्कुल सफिशियंट है, अच्छा है, उसको चांस भी मिला है, और बच्चों को सर आज से ही उसको अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, लास्ट टाइम का बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए। एंड यस, हम ये बोलेंगे जहां तक हम लोग जानते हैं, यू आर गिविंग द बेस्ट रिजल्ट इन द लास्ट 14 इयर्स, आप और ज्वाइन करो, क्लास करो हमारा, देखो फिर बाद में पेमेंट देना, आओ पहले क्लास करो, देखो कैसे पढ़ा रहे हैं, देन वी विल सी दैट। ठीक है, थैंक यू सर। अब देखिए सर ने यहाँ पे इंटरव्यू में ही इतनी एनर्जी डाल दी, तो आप सोचिए कि क्लास में कितना एनर्जी देते होंगे ये, तो यही है एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नितिन सर से करूंगा। सर हम डिस्कस कर रहे थे कि अभी बच्चों का डाउट था कि प्री और मेंस का तैयारी कैसे करेंगे, हम प्री अलग से करेंगे मेंस अलग से करेंगे या कैसा, तो हमने डायरेक्टर सर के साथ मीटिंग की, और अभी जो हमारा पिछले कुछ टाइम से जो जिस तरीके से हम प्रिपेयर करवा रहे हैं, हम प्री और मेंस इकट्ठा करवा रहे हैं, ऐसा अलग अलग नहीं है। तो सर इसके ऊपर जरा थोड़ा सा आप बताइए, और इलेक्ट्रिकल में जो वैकेंसीज आ रखी हैं बच्चों को आप क्या बताना चाहोगे उसके रिगार्डिंग कुछ भी। तो देखो बच्चों, ये जो आपकी HPSSC में जो है वैकेंसीज आई हुई हैं, तो इसमें आपकी इलेक्ट्रिकल की जो है 7 वैकेंसीज हैं। तो देखो बेटा, एक SSC JEE का एग्ज़ाम होता है जिसमें प्री मेंस होते हैं, ठीक है, और एक आपके एग्ज़ाम का भी ऑलमोस्ट यही पैटर्न है, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में क्या है कि AE में और JEE में क्या है, सब्जेक्ट्स की लेंथ बढ़ जाती है। मतलब कहने का मतलब, जैसे आप कुछ टॉपिक्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, जैसे कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, जैसे JEE में आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं, AE में वहीं आपके 14 सब्जेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो जाता है। गेट के क्वेश्चन कई बार जो कॉपी पेस्ट कर दिए जाते हैं, ES के कन्वेंशनल कॉपी पेस्ट कर दिए जाते हैं। बट इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि AE JEE में कई बार ये देखा गया है, स्पेशली AE में ये देखा गया है कि जैसे गेट का एक पर्टिकुलर सिलेबस है, ठीक है, तो कुछ कई बार जो टॉपिक गेट में आ जाते हैं या ESE में आ जाते हैं, उससे हटके भी आपके टॉपिक आ जाते हैं जो कि डायरेक्ट बुक से कवर कराने पड़ते हैं।
तो आप ये मत सोचिए किसी कोचिंग के नोट्स उठा के आप रट के चले जाओगे या फिर किसी भी अन्य कोचिंग के आपने नोट्स ले लिए, वहां से काम नहीं होने वाला है। आपको स्पेसिफिकली आपके जो है एग्जाम की डिमांड को मीट करे उस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वो किताब के पीछे जो आपके कन्वेंशनल क्वेश्चन दिए होते हैं, जो अनसॉल्व क्वेश्चन दिए होते हैं स्टैंडर्ड बुक के पीछे, आपको वो भी क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको प्री और मेंस की दोनों की साथ में तैयारी करनी पड़ेगी। और प्लस ये भी है कि इंटरव्यू भी है, तो इंटरव्यू भी आपकी जो है इस तरीके से रट के तो काम हो नहीं सकता है। तो आपको प्री मेंस की साथ में तैयारी करनी पड़ेगी और थोड़ा सा हट के सोचना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि आप कॉमन तैयारी कर रहे हो, जैसे कोई कहता है कि जी हम गेट की तैयारी कर रहे हैं तो हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। कोई कह रहा है ईएससी की तैयारी, हाँ हेल्प मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी स्पेसिफिकली एई की तैयारी के लिए। तो उसके लिए देखिए हमारी सारी टीम है जो पर्टिकुलर हरियाणा के हिसाब से जो इस पे काम करने वाली है, स्पेसिफिकली आपके एग्जाम के लिए ट्रेन कराने वाली है। तो आपको उस तरीके से हम लोग गाइड करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ ज्वाइन करिए। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। नितिन सर ने काफ़ी अच्छी बात बोली कि आप जो है किसी अदर एग्जाम के साथ इसका जो है प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हटके पूछते हैं जो कि आपका सिलेबस में आईएएस के सिलेबस में भी नहीं है और गेट के सिलेबस में भी नहीं है, तो वो बुक से आपको कवर करना पड़ेगा और आपको ये चीज़ें पता नहीं होती, तो आपको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर का पॉइंट बहुत ही सही था। सर जैसे कि सिविल में आपको पता है कि यहाँ पे हम काफ़ी टाइम से टॉप पे हैं, सिविल में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस तरीके से हम करवा रहे हैं उस तरीके से करवा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट इसी चीज़ का है। इसके ऊपर आप क्या बोलोगे कि हम क्या अलग दे रहे हैं बच्चों को? देखिए सर, सबसे पहली चीज़ हेलो टू एवरी स्टूडेंट्स, और सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आ गई है। खासकर सिविल में बच्चे परेशान रहते हैं सर सीट नहीं, इस बार तो उसने बहुत ही अच्छी खासी सीट दी है। ये तो सर एक डिपार्टमेंट की है, अभी अलग अलग डिपार्टमेंट में और सीट आएगी और अब धीरे धीरे सीट्स और भी ज़्यादा आना चालू हुई है। तो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं सर, उसमें हमारा रोल ये है कि हम उनको इस तरीके से कॉन्सेप्ट डिलीवर करते हैं, इस तरीके से उनको सारी चीज़ें बताई जाती है, वीकली टेस्ट सीरीज दी जाती है सर, ये इसका इफेक्ट है। जहाँ पे बहुत जगह ये चीज़ नहीं बताई जाती है, जैसे बार बार बच्चा जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है कॉन्सेप्ट के बाद, हर हफ्ते में जब वो टेस्ट देता है तो वो हर बार घर पे जाके रिवाइज भी करता है उस चीज़ को। बहुत जगह ये है कि बच्चा एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, दो महीने बाद आपने पूछा कि उसका क्या रिजल्ट है उसको पता ही नहीं, बट हम दो महीने बाद भी क्या करते हैं उसका एक फुल टेस्ट लेते हैं, जिससे ये होता है कि कम से कम वो बार बार उस चीज़ को रिवाइज कर रहा है। ये चीज़ें ही सर सिलेक्शन देती है। तो ये चीज़ों पे जब हम फोकस कर रहे हैं तो बच्चा भी उसके हिसाब से वो धीरे धीरे प्रिपेयर होते जाता है। जब वो क्लास में सर पेपर देने बैठता है तो उसको ऐसा फील होता है कि हमारी कंपटीशन ये क्लास है, जब वो एग्जाम सेंटर में बैठेगा तो ये सोच के चलता है कि हाँ अब हमारा कंपटीशन ये पूरा स्टेट है। तो यही चीज़ सर बच्चे को जो है बहुत बढ़िया बनाती है। और मैं बच्चों को ये सजेस्ट भी करता हूँ जब हमारे यहाँ पे आते हैं, मैं उनको हमेशा इस चीज़ पे सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसके कम से कम 1000-1500 क्वेश्चन आप लगाओ अलग अलग तरीके से। और ये चीज़ बच्चा सर खुद नहीं कर सकता है, खुद में होगा वो 100-200 तो लगा लेगा बट उसके बाद वो छोड़ देता है, उसके बाद वो सोचता है कि मैंने ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही नहीं है, ये कहां से पढूं। बहुत बार सर ऐसी चीजें होती है ना जो टेक्स्ट बुक में एक सिंपल लाइन में लिख दी जाती है, बट उसको ये चीज समझाने के लिए एज ए टीचर एज ए गाइड जरूरत पड़ती है। तो यही चीज सर हम उनको प्रोवाइड करते हैं। और सर जहां तक रही सिविल की सब्जेक्ट्स की बात, तो सब्जेक्ट्स तो जितने भी इंपॉर्टेंट है ये बच्चों को बेसिकली पता होती है, इसके लिए भी हम लोग उनको एक स्ट्रेटेजी वीडियो बताएंगे कि कैसे आपको किस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। तो बाकी सारी चीजें सर आपको बताएंगे कि सिविल में और क्या क्या सारी चीज़ें हैं, किस तरीके से आप और बेटर कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सुशांत सर। सुशांत सर ने जैसे कि बताया कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है, आपका सब्जेक्ट तो चल ही रहे हैं साथ के साथ क्लास टेस्ट भी रेगुलर चलते हैं, बाद में हम कंबाइंड टेस्ट भी लेते हैं, तो टेस्ट रेगुलर बेसिस पे चलते हैं, हर बार क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया जाता है। और अभी तक जितने भी पास आउट स्टूडेंट हैं उन्होंने जितने भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कहीं और से भी कोचिंग ली है यहाँ से भी ली है, तो उनका एक ही चीज़ है कि यहाँ का बेस्ट करिकुलम है, यहाँ का करिकुलम जो है सर हमें सही लगा सबसे बेस्ट। तो सर करिकुलम के ऊपर तो बाद में आएंगे, पहले मैं सर नॉन टेक, थोड़ा सर नॉन टेक के बारे में गाइड कर दीजिए कि नॉन टेक में किस तरीके से बच्चों का अप्रोच होना चाहिए और जो ये 20 मार्क्स का जो ये कवरेज है ये किस तरीके से होनी चाहिए। तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स को कि मैं भी खुद भी हरियाणा से ही हूँ, तो हरियाणा की जो मैंने देखा है पैटर्न, जब मैं बात करता हूँ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, और क्योंकि ये एग्जाम जो कंडक्ट कर रही है वो कर रही है एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, तो स्टाफ सिलेक्शन में कई बार क्या हो जाता है कि कहीं से उठा के क्वेश्चन दे देते हैं वो, लेकिन जब भी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की बात होगी तो कुछ नया देने की कोशिश करती है वो, और कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन देगी, नए कॉन्सेप्ट देगी, मतलब कुछ फ्रेश देगी वो। और यहीं पर हमारा जो पोर्शन रहेगा दैट इज नॉन टेक्निकल, जो कि आप कह रहे थे कि 20 नंबर का आएगा, 20 क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। और इसमें हरियाणा जीके होगी, जो हम 1-to-1 आप सभी को हरियाणा जीके पूरी कंप्लीटली कराएंगे,
हरियाणा जीके कैसे करनी है, क्योंकि ये टेक्निकल वालों को बड़ी दिक्कत रहती है जीके में। क्यों जी दिक्कत रहती है? क्योंकि उन्होंने जो बैकग्राउंड रहा है कि साइंस का है, नॉन मेडिकल की, ठीक है, उसके बाद 4 साल बीटेक में लगाए, तो उनका जीके से तो बिल्कुल ही कनेक्शन टूट जाता है और इंटरेस्ट भी नहीं आता। और जीके ही यहाँ पे अगर आप देखोगे सर, तो जीके ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा कि आपकी कट ऑफ बहुत आगे जा सकती है। करेक्ट, क्योंकि उसमें अगर थोड़ी सी भी मेहनत करेगा, क्योंकि कोई भी बच्चा यही सोचेगा कि टेक्निकल पे पूरा फोकस रखता हूँ और वो 20 नंबर जो भी आएगा तुक्के मारूंगा, यहाँ पे तुक्के भी नहीं चलेंगे और अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, तो इस वजह से ये 20 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें हम सभी चीज कवर करेंगे, हरियाणा की ज्योग्राफी, हरियाणा की हिस्ट्री क्या रही, हरियाणा की पॉलिटी क्या रही, और थोड़ा सा मैं एक दो बता भी देता हूँ जैसे क्वेश्चन क्या आप जनरली पूछे जाते हैं। जैसे वो ज्योग्राफी में पूछ लेगा किसी भी नदी के बारे में हरियाणा की, कि वो किस किस डिस्ट्रिक्ट से होके जा रही है। जनरली जेई में तो सर वो सिंपल पूछता है कि नदी कहाँ से आ रही है, लेकिन जब एई की बात होती है तो पूरा पूछता है कि किस किस स्टेट से, सिक्वेंस से, नॉर्थ टू साउथ बताओ कहाँ कहाँ से आ रही है। तो एई की एक ये खास बात रहती है, अगर बच्चे को कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है तभी वो जीके का भी आंसर दे पाएगा, नहीं वो नहीं दे पाएगा। ये नहीं होगा कि 4 ऑप्शन सीधे रख देगा, वो कहेगा 1 of them, 2 of them, 1 or 2, 3 or 4। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे कराएंगे जीके में, और वो बहुत ही अच्छे ढंग से हमें उनको पढ़ाएंगे। तो ये था सर। थैंक यू भरत सर। भरत सर ने काफ़ी अच्छे से आपको बताया कि 20 नंबर की कितनी अहमियत है और किस तरीके से हम इसको प्रिपेयर करवाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जीडी सर से। सर हम काफ़ी टाइम बैठते हैं और मोस्टली आप यही फोकस करते हो कि सर करिकुलम बेस्ट होना चाहिए क्योंकि रिजल्ट यहीं से आएंगे। तो इस बार जो भी हम इस एग्ज़ाम के लिए बैठे और आपने बताया कि नहीं प्री और मेन साथ में करो, टाइम कम रहेगा, इस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे, तो सर इसके ऊपर आप कुछ बोलिए कि। और केसर आपको भी पता है लास्ट टाइम क्या हुआ था, पंचायती राज डिपार्टमेंट की वैकेंसी हरियाणा में आई थी, तो प्री और एग्ज़ाम को लेके और मेंस एग्ज़ाम को लेके कन्फ्यूज़न था बच्चों को। हालांकि मैंने बच्चों को पहले बता दिया क्या था कि इस बार एग्ज़ाम पैटर्न नया आने वाला है और प्री और मेंस की तैयारी शुरू करो, पर बच्चा और बच्चा ही होता है, तो उन्होंने अल्टीमेटली वही फोकस करा कि पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो मैंने मोस्ट ऑफ द केस में आपने भी देखा बच्चों का कि ऑब्जेक्टिव का एग्ज़ाम तो अच्छा हुआ, बट जब मेंस एग्ज़ाम उनको देना है तो दे लाइक फील कि मेरे को तो अब जीरो से पढ़ना पड़ रहा है दोबारा से। तो यही रहा है कि इस बार जो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे हमारी कल भी मीटिंग हुई शाम को, तो हमने यही डिस्कस करा है सबने कि भाई हम लोग सिर्फ जो है वो अभी प्री और मेंस को पैरेलल ही लेके चलेंगे, बिकॉज जो तैयारी है जब एक कॉन्सेप्ट है तो वो सब्जेक्टिव पॉइंट व्यू से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट व्यू से दोनों से पढ़ा जा सकता है। और इवन हम सारे टीचर्स भी हैं तो वी नो कि सब्जेक्टिव में से ऑब्जेक्टिव पैदा होता है। तो अल्टीमेटली कॉन्सेप्शन नॉलेज अगर अच्छा हो गया एक बार तो उसमें ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी आपका क्लियर हो जाएगा, और जो टेस्ट सीरीज रहेगी वो भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पॉइंट व्यू से रहेगी, सो दैट आपका डे वन से प्रिपरेशन हो जाए। और इसमें मेरे को ये लगता है कि बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली, क्योंकि बच्चों को इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम से बहुत डर लगता है। Yes, sir, और यहाँ से बच्चों को एक उनका ऑप्शन खुल जाएगा कि मैं अब इंजीनियरिंग सर्विसेज 2025 वाला मैं दे लिख सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली वो तैयारी तो मेरे को करनी है। तो हमारा भी जो फोकस है पढ़ाने का, जो हम कंटेंट भी जो अपना डेवलप कर रहे हैं, वो इसी तरह से रहेगा कि कोई भी एग्जाम सब्जेक्टिव अगर उसका होता है तो उसका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। हमारा ये गोल नहीं रहता है कि हमारे को सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्जाम पॉइंट भी पढ़ाना है, हमारा फोकस रहेगा सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा दे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा दे और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इनको पढ़ा दे, सो दैट कि एई एग्जाम के लेवल की जितनी भी अदर एग्जाम है और इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी अराउंड 70% जो सिलेबस है वो लेवल जो है वो इनका कवर हो जाए, और गेट के भी जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन रहते हैं वैसे क्वेश्चन भी कवर हो जाए। तो ये सर जो हमारा डिस्कशन हुआ है उसी के पॉइंट व्यू से है। तो मैं ये चाहूंगा कि भी सारे टीचर्स भी पूरा इन एफर्ट डाल रहे हैं, तो बच्चों भी अगर हमारे साथ जुड़ेंगे आके तो आपको बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल पढ़ाया जाएगा। आपने 4 साल से 5 साल से 2 साल से 3 साल से कुछ नहीं पढ़ा, ये हमें बॉदर नहीं करता है, बट आप हमारे को ज्वाइन करिएगा। जो आज पढ़ा दिया कल आपको वो आना चाहिए, उसके एग्जाम आपके क्वालिफाई करने की गारंटी हमारी है, वो हम आपको करवा देंगे, असिस्टेंट इंजीनियर लगवा देंगे। इतने बच्चे अभी तक लगवा चुके हैं, इतने ज्यादा बच्चे अभी तक लग चुके हैं, तो आप भी लग सकते हैं। 2017 में सर एग्जाम हुआ था, तो भी बहुत सारे बच्चे जो हमारे हरियाणा में ऑलरेडी इरीगेशन डिपार्टमेंट में भी हैं, जो एज SDO हुए थे, अभी एक्सचेंज भी बन चुके हैं, प्रमोशन भी हो चुकी हैं उनके, तो एक दो बच्चों ने तो इंटरनल डिपार्टमेंट भी प्रमोशन ले लिया। तो सो एक बार नॉलेज जब हो जाता है ना, तो देन यू फील कि भाई मैं एग्जाम दे सकता हूँ, मैं किसी तरह का कोई भी एग्जाम अपीयर कर सकता हूँ, सो एग्जाम फियर खत्म हो जाता है मेनली जो है। ओके, थैंक यू सर। यस यस, जैसे सर एक बात बताए, मैं एक चीज देख रहा हूँ बहुत बार बच्चे से जब मैं बात करता हूँ पर्सनली, तो कुछ कुछ ऐसा भी आता है कि सर हम 2 साल ड्रॉप है, 3 साल ड्रॉप है, 400 ड्रॉप है,
तो मुझे एक बात लगता है ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होता है सर, अल्टीमेट आपको वहाँ नॉलेज चाहिए। तो अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि यार मैं 2 साल पहले ड्रॉप हूँ, मैं 3 साल हूँ, क्या मुझे इसका डिसएडवांटेज मिलेगा इंटरव्यू के दौरान, तो इसका अतिरिक्त तो 5-7% वेटेज है। और ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो माय डियर फ्रेंड्स कि हम कुछ गैप है, 1 साल है या 2 साल है, कुछ भी, दैट नॉट मैटर, यू हैव नॉलेज ओनली थिंग्स, दैट इज द ओनली थिंग्स, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आप बैकलॉग क्या है, मतलब कितना टाइम लियो नहीं लियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए सर एज तो ज्यादा होता है ना उसका, अपना एज दिया है यार नॉलेज के लिए, ये दिमाग से पूरा निकाल दो कि हम गैप है 2-3 साल। और हम लोग जो यहाँ पढ़ाएंगे, जैसे सर पूरा प्लानिंग यही है कि पूरा जीरो लेवल से चीजों के स्टार्ट किया जाए। हम लोग मान के चलेंगे कि बीटेक का फर्स्ट ईयर का लड़का है, दे डोंट नो एनीथिंग, बिल्कुल सर है ना, और इस लेवल से करेंगे तो आप बिल्कुल फ्री हो जाओ कि हम ड्रॉप हैं, पास, ये इतना टाइम हो गया, इंटरव्यू में क्या होगा नहीं होगा हमें समझ में नहीं आएगा, हम 4 साल या 2 साल से पढ़ाई छोड़ दिए हैं, कोई मतलब नहीं है। हम लोग पूरा बोले ना जीरो, मतलब जीरो वहां से स्टार्ट करेंगे, सो डोंट वरी। थैंक यू सर। जी सर, बिल्कुल सर, सर ने सही बोला एकदम, कि यहाँ पे काफी बच्चे आते हैं जो बोलते हैं कि सर हम 2 साल का गैप है, 3 साल का गैप। अब आपको डाउट होगा कि इंटरव्यू में, तो देखो जब इंटरव्यू में आपने अगर उस टाइम पीरियड में काम किया है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो फिर क्वेश्चन ज्यादा पुटअप होते हैं। अगर आपने 3 साल कुछ नहीं किया, आप बोलोगे मैं पढ़ रहा था, क्वेश्चन वहां से कुछ नहीं पूछ पाएगा, क्योंकि वो रिसेंटली जो आगे इंटरव्यूअर होते हैं वो आपको उस चीज को पूछते हैं कि आप क्या कर रहे थे। और अगर आपने कुछ ऐसा कर रहे थे जो सिविल से रिलेटेड है, फिर आपको उससे भी क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे। तो यहाँ पे एक बात का एडवांटेज आपको ये मिल जाता है कि क्वेश्चन आपके कम हो जाते हैं। दूसरा जो सर ने बोला, हम यहाँ पे जो भी बच्चा आता है उसे बिल्कुल जीरो लेवल से ही पढ़ाते हैं। हम यही मान के चलते हैं कि भाई इसको कुछ भी पता नहीं है, हम बेसिक से बेसिक चीज़ें डिलीवर करते हैं, उसके बाद बच्चे का धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनाते हैं। और एक टाइम पीरियड, क्योंकि देखो हर बच्चे को अलग अलग टाइम लगेगा, सब बच्चे सेम तो नहीं है, कोई इंटेलिजेंट है जो बचपन से पढ़ के आ रहा है जिसे बेसिक चीज़ें पता है तो वो तो डेफिनेटली जल्दी से ग्रैप कर लेगा, उसकी ग्रेस्पिंग पावर ज़्यादा होगी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने बचपन में ज़्यादा मेहनत नहीं की होती, 6th, 7th, 8th क्लास में, जिनके बेसिक जो होते हैं मैथमेटिक्स के वो पुअर है, या फिर आप 9th, 10th में जब बेसिक पढ़ते हो मैथ्स का वो आपका पुअर है। इंजीनियरिंग में इतना ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है। अगर मैं सिविल की बात करूँ तो सिविल में फिजिक्स का ज़्यादा एप्लीकेशन है, ठीक है, उसमें जितना भी कंसेप्ट रहेगा वो हम आपको बताएंगे क्लास में कि ये कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है, आप इस तरीके से इसको सोचो, ठीक है। तो उसमें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हम, कई बच्चे सोचते हैं कि सर मुझे मैथ्स नहीं आता, कई सोचते हैं मुझे फिजिक्स नहीं आता, तो एक डाउट उनके माइंड में क्लियर हो जाता है कि सर हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मैं बिल्कुल सर, और हम एग्जाम्पल देते हैं सर, हमारे जो अभी पंजाब के बच्चे थे जिनको इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती थी, वो आज SDO लगे हुए हैं। मेहनत करनी है उन्होंने, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि वो लग गए, उन्होंने मेहनत की है, वो जो 2-1.5 साल उन्होंने लगाया, खुद को तपाया है, मेहनत की है, तब जाके वो लगे हैं। तो आप भी दिल छोटा मत कीजिए, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट आपके अच्छे नहीं है तो हम किस लिए, हम इसीलिए तो हैं यहाँ पे। आप आइए हमसे डाउट पूछिए, हर एक डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट सर मैं नितिन सर, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा सर, इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो ये मतलब बेसिक डिफरेंस ये क्या है, और बच्चे काफ़ी डाउट में रहते हैं कि अच्छा ये वैकेंसी किस चीज़ की है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, थोड़ा सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा बता दो बच्चों को कि क्या इलेक्ट्रिकल में आने वाला है। देखो बच्चों, जो AE के लिए जो मेन सब्जेक्ट रहेंगे आपके, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स के रहेंगे, वो मशीन पावर सिस्टम रहेगा, ठीक है, जो सबसे हैवी सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम भी लगता है आपको। लेकिन इन दोनों सब्जेक्ट का जो बेस है वो है सर्किट थ्योरी, ठीक है ना, तो वो सब्जेक्ट आप सबसे पहले कवर करिए, हालांकि वो ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, कंट्रोल सिस्टम ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इससे जो है ये सबसे सेपरेट सब्जेक्ट है, लेकिन मार्क्स ज़्यादा दे के आ जाता है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा है यहाँ पर, डेरिवेशंस हैं, और आपका EMFT हो गया है ना, और आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मेजरमेंट हो गया, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो आपके ये 12-14 सब्जेक्ट आपके पूरे रहेंगे, आपको जो थोरोली कवर करके जाने पड़ेंगे। ये JEE का नहीं है जिसमें आप 6-7 सब्जेक्ट पढ़ के चले जाओगे तो काम हो जाएगा, इतने सब्जेक्ट सर रहेंगे। करेक्ट सर। सर सिविल के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए, वैसे तो बच्चों को पता ही है, इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे आपके लिए, सिविल के ऊपर किस किस टॉपिक से जो है कितना कितना कवरेज रहने वाला है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, टॉपिक्स, हर एक चीज हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल सिर्फ ओवरऑल की सर सब्जेक्ट कौन से इम्पोर्टेंट है, कौन सर ओवरऑल की अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग वाला जो पॉइंट है वो तो बच्चों को पढ़ के जाना ही चाहिए, जिसमें आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आ गया, कंक्रीट टेक्नोलॉजी आ गया, उसके बाद आपका RCC, डिजाइन ऑफ स्टील, तो ये एक अच्छा खासा वेटेज ले जाता है।
इसके अलावा तीन सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट मैं और जोड़ना चाहूंगा, जो आपका एक हो जाता है जियोटेक, इन्वायरमेंट और पूरा ट्रांसपोर्टेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो बच्चों को पहले, आजकल ये हुआ है सर, जैसे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ये इरिगेशन डिपार्टमेंट का एग्जाम है तो ये मान के चलिएगा कि वाटर रिसोर्स के सब्जेक्ट से ज्यादा सवाल आएंगे आपको, वो ज्यादा, क्योंकि इरिगेशन में होता क्या है, उनको वो इंजीनियर चाहिए कि उस काम में उनको पता हो, जैसे कैनाल हो गया, कैनाल की डिजाइन आपसे करवा सकता है, कैनाल का मेंटेनेंस आपसे वो पूछ सकता है, या अलग अलग जो कैनाल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, तो वाटर रिसोर्सेज से भी आपको अच्छे खासे क्वेश्चन, क्योंकि स्पेसिफिक वैकेंसी किसमें है, इरिगेशन डिपार्टमेंट में है, तो वाटर से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ सकता है, बाकी जगह से तो आपको ठीक ठाक क्वेश्चन मिलेंगे, बट वाटर जो रिसोर्सेज पूरा का पूरा है उसको आप तो बिल्कुल अच्छे से करके जाइएगा। करेक्ट सर, सर ने सही बात बोली कि यहाँ पे वाटर रिसोर्स यानी इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, ओपन चैनल और एफएम, इसमें आपकी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि बाकी स्टेट में आपको इतने स्ट्रक्चर्स नहीं दिखाई देंगे जितने आपको पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, क्रॉस ड्रेनेज वर्क दिखाई देगा, वियर दिखाई देगा, बैराज दिखाई देगा, डैम दिखाई देगा, इसलिए यहाँ पे जो है ये वाटर के सब्जेक्ट की वेटेज ज़्यादा होती है। सर आखिरी मैं मैकेनिकल के लिए थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि मैकेनिकल में थोड़ा सा आप अगर बता देते कि सर एक काम हम सोच रहे हैं, क्या करेंगे हम लोग ना, एक डिटेल वीडियो सब सब्जेक्ट वाइज बना के बच्चे को दे देंगे ताकि उसका कंफ्यूजन दूर हो जाए, लेकिन थोड़ा मैं शॉर्ट में आपको बताऊं पूरा कुछ ऐसा होता है दोस्त, सब्जेक्ट में बता दिया कि सपोज करो थर्मो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना प्रोडक्शन बहुत है, बट कुछ चीज ऐसा टॉपिक है जहां से हर साल क्वेश्चन आता है, तो हमें वहां पे फोकस करना है, वहां से गारंटी आता ही आता है, करना तो सबको है सर जो भी है, लेकिन उस पे ज्यादा करेंगे जहां से हर साल आता है, तो ये हम उसको बच्चों को बताने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज एक पूरा डिटेल। लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा सा बता दूं, देखो सर जैसे बताया इरिगेशन है रिलेटेड टू वाटर, तो सर एफएम, अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं, एफएम और एचएम का अच्छा वेटेज आने वाला है यहां पे, एफएम एचएम गारंटी आपका अच्छा आएगा, इसके बियॉन्ड छोड़ दो तो प्रोडक्शन जो होता है बच्चों, किसी भी एग्जाम की बात करो महासागर कहलाता है, इंजीनियरिंग में मैकेनिकल कहता है जो भी पढ़ना है पूछ लेता है, तो बहुत है अच्छा खासा यहाँ से आपको नंबर दिखेगा, कास्टिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, मेटल फॉर्मिंग हो गया, मशीनिंग वगैरह हो गया, यहाँ से आपको ठीक ठाक क्वेश्चन मिलेगा, डिटेल में बताऊंगा कौन सा टॉपिक है क्या नहीं वहां पे करेंगे। इसके बाद अगर आप बात कर ले तो टोम, टोम में भी सर अच्छा खासा वेटेज होगा आपको, यहाँ से भी बढ़िया क्वेश्चन आपको बनेगा, मैकेनिकल वाइब्रेशन की बात करूं, यहाँ से हर साल आपको क्वेश्चन, मान लो मैकेनिक की बात करूं क्वेश्चन बनेगा, बहुत बच्चा ऐसा भी होगा सर सोच रहा होगा बहुत पहले नाम सुने, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, तुम कब नाम सुने हो, आओ हम लोग हैं आराम से।